दोस्तों आज के इस वीडियो में कली वाले कुछ टाइप की क्रिएटिव एडिटिंग देख सकते हो आप लोग, बहुत ही बढ़िया है जो कि जिगर भाई ने अपलोड किए हैं अभी और मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे भी टाइम देख सकते हो, मैंने मतलब अभी अभी बनाया वीडियो और अभी फोटो क्लिक करा था रात ही में, ठीक है, और अभी सुबह अपलोड कर दूंगा। आप लोग समझ सकते हो अभी कितने बज रहे हैं, आप लोग को बता देता हूँ मैं, देखो एक अभी बज रहे हैं हमारे 2 बज रहे हैं, ठीक है, तो मैंने 12 बजे फोटो क्लिक करा था। और ज़्यादा आप लोग को बकवास नहीं करते भाई, वीडियो को स्टार्ट करते हैं यार। आप लोग समझ सकते हो थोड़ा सा मेहनत करूँ यार इस वीडियो को, प्लीज़ यार लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके साइड का बिल्कुल नंबर बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और भाई ऐसे सपोर्ट करोगे तो और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ लाऊंगा आप लोग के लिए और जल्दी जल्दी लाऊंगा, ठीक है। और आप लोग को बोलना चाहता हूँ भाई, मेरे मतलब एक वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक मिल जाएगी, ठीक है, तो उसे जरूर देखिएगा, उसे बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी थी यार, प्लीज़ यार देख लीजिएगा। और भाई इंस्टाग्राम में फॉलो कर लोगे तो यार और भी मतलब मज़ा आएगा, ठीक है, तो यार इंस्टाग्राम में भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पे आप लोग मैसेज कर सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो। तो सबसे पहले तो इस बैकग्राउंड को आप लोग को डाउनलोड कर लेना है डिस्क्रिप्शन से, ठीक है, इसके बाद आप लोग को यहाँ पे जाना है अपने टूल्स में और टूल्स में जाने के बाद रिसाइज कर लीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। और ऐसा करने के बाद आप लोग को यहाँ पे ड्रॉ टूल में चले जाना है, अपने ड्रॉ टूल में जाने के बाद आप लोग को जाना है अपने ऐड फोटो में, मतलब यहाँ पे फोटो लेयर को यहाँ पे ऐड कर लेना जो आप लोग की PNG होगी। तो मैंने पहले से बैकग्राउंड इस करके रख ली था, अगर आप लोग को नहीं बनता तो भाई आप लोग को वीडियो की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वैसे आपसे बन जाता है कि ऐसे बैकग्राउंड इस करते भाई। और यहाँ पे कर लिया मैंने डन, ठीक है। डन करने के बाद यहाँ पे कुछ टाइप से मैंने ऊपर के साइड में लगाने लगा यहाँ पे अपनी PNG को। तो भाई ये जो फोटो है भाई मोबाइल से क्लिक हुई है और मोबाइल से ही एडिट किया हूँ मैंने, तो भाई जिगर भाई के पास फोटोशॉप है और उसका मतलब सॉरी गला खराब, तो यहाँ देखो मतलब मोबाइल से ही क्लिक किया हूँ और उन्होंने मोबाइल से वो कैमरा से फोटो क्लिक करके एडिट करे थे। तो देखो बैकग्राउंड इस करते नहीं बनता तो भाई आप लोग सर्च भी कर सकते हो यूट्यूब में, और मोबाइल से ही एडिट किया हूँ मैंने। तो भाई देखो अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो यार जरूर मतलब कैमरा वैमरा भी ले लेंगे। तो देखो कुछ स्टेप्स मैंने यहाँ पर कर लिया हूँ ऐड, और ऐसा करने के बाद ऐसे मोबाइल से भी अच्छी एडिटिंग हो जाती है यार, ऐसा मत सोचा करो, ठीक है। और मैंने रात में फोटो क्लिक कर रहा हूँ तो थोड़ा सा नॉइस आया होगा फोटो में, इसलिए चलता है, ठीक है। यहाँ पे जो जो मैं करते जा रहा हूँ भाई वो करती कर लीजिएगा आप लोग, यहाँ पे कॉपी कर लिए थे मैंने। और सर यहाँ पे देखो कलर मैंने यहाँ पे पिक कर रहा हूँ, सॉरी यहाँ पे आप लोग नहीं कर रहे हैं पिक, यहाँ पे आप लोग को फिल कर लेना है, ठीक है। फिल करने के बाद यहाँ पे ऐसा करने के बाद आप लोग को यहाँ पे 3 डॉट में जाके यहाँ पे आप लोग को इसे कर लेना है कॉपी। तो यहाँ पे भाई हम लोग कॉपी कर लेते हैं जो जो यहाँ पे कर रहा हूँ भाई, बिल्कुल सेम टू सेम आप लोगों को करना है, जब भी आप लोग अच्छे से एडिट कर पाओगे, ठीक है। ऐसे मैंने यहाँ पे XOR कर लिया और इसके बाद यहाँ पे इसे कर लिया मर्च, मर्च करने के बाद यहाँ पे जाऊँगा मैं और इसे फिर से XOR कर लूँगा और ये हो गया भाई, इसके बाद मर्च कर लेंगे, ठीक है। तो ये करने के बाद भाई जो भी जो लेयर है हमारी नीचे वाली उनको सबको हाइड कर लिया मैंने, सेव कर लिया भाई। तो ऐसा करने के बाद क्या करना है आप लोग को, ये ऊपर वाली लेयर है भाई उसको हटा दीजिएगा, कोई मतलब की नहीं है वो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसे पहले तो हटा देते हैं और उसके बाद यहाँ पे क्या है सेव कर लेते हैं, मतलब डन कर लेते हैं ऊपर के साइड से। तो भाई हमारा यहाँ पे काम हो चुका, इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे जाना अपने ऐड फोटो में भाई। एक एक स्टेप आप लोग अच्छे से नहीं कर पाओगे नहीं तो भाई मतलब अच्छे से नहीं देखोगे तो यार आप लोग अच्छे से एडिट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो मैंने मतलब फोटो एडिट करने के लिए ये जो आप लोग फोटो देख रहे हो ना, इसे मतलब एडिट करने के लिए ना मैंने बहुत ज़्यादा टाइम लगाया। अगर आप लोग अच्छे से टाइम लगा के फोटो एडिट करोगे ना तो बहुत ही अच्छे से आप लोग एडिट कर पाओगे। तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा, वहाँ पर आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस मिलेंगे जिनसे आप लोग और भी अच्छी एडिटिंग कर पाओगे। मतलब मैंने भी उन एडिटिंग जैसे मतलब वीडियो डिस्क्रिप्शन में दूंगा तो वही मैंने उसी चीज़ को अप्लाई करा था जब भी मतलब ऐसी फोटो एडिटिंग कर पाया हूँ जो कि आप लोग थंबनेल में देखे होंगे, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हो क्या कहना चाहता हूँ, पर एक ही वीडियो में मैं सब कुछ नहीं बता सकता भाई, फेस स्मूथ हो गया मतलब डॉज बर्न, ये सब वीडियो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सब बना के रख लिया हूँ मैंने। तो यहाँ पे देखो कुछ स्टेप्स मैं अप्लाई कर रहा हूँ, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो भाई ऐसे ऐसे आप लोग करते जाना है, जब भी मैंने इसलिए ये जो PNG है इसे बनाया था, ठीक है। तो ऐसा आप लोग देख लीजिए जैसे जैसे मैंने कर रहा हूँ, ठीक है, जहाँ जहाँ मैंने कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लोग PNG लगाएंगे नीचे के साइड में और यहाँ पे साइड में, ठीक है, इसलिए मैंने करा। और जहाँ से मतलब इफेक्ट आ रहा हमारा ग्लोइंग तो वहाँ पे आप लोग को अप्लाई कर लेना है। और इसके बाद यहाँ पे गया मैं और ये जो PNG है भाई इसको हम लोग ने ऐड कर लिया है। और इसके बाद यहाँ कर लेते हैं ऐड से और ऐसे आप लोग को साइड में लगा लेना जैसे कि यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। तो भाई बिल्कुल अच्छे से देखिए आप लोग वीडियो और भाई लाइक भी जरूर कर दीजिएगा क्योंकि मेहनत लगती है यार वीडियो बनाने में और रात में जग जग के बना रहा हूँ आप लोग के लिए वीडियो और मम्मी पापा भी डांटते हैं भाई, ठीक है, आप भी समझ सकते हो कि क्या प्रॉब्लम्स है भाई, ठीक है ना। फिर भी आप लोग के लिए ला रहा हूँ यार, तो यार आप लोग सपोर्ट दिखाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे भी और भी अच्छी वीडियो आएगी। देखो कुछ स्टेप्स मैं यहाँ पे कर लेता हूँ,
ऐसा मैं कर लेता हूँ भाई पूरा का पूरा फुल, ठीक है ना। ऐसा करने के बाद यहाँ पे आप लोग को इसका ब्लेंडिंग मोड यहाँ पे चेंज कर लेना, स्क्रीन नहीं करना है आप लोग को, यहाँ पे ऐड कर लेना, ठीक है। और ऐड करने के बाद क्या करना है आप लोग को, डन कर लेना है। तो यहाँ पे भाई जो भी हमारा पिक्सआर्ट का भाई काम था वो सब कुछ यहाँ पे हमारा समाप्त हो चुका है भाई। यहाँ पे ड्रॉ टूल में जाके आप लोग को कर लेना अपनी फोटो को सेव। ऐसा करने के बाद भाई लाइट रूम ऐप में हम लोग चले जाएंगे। तो सबसे पहले भाई यहाँ पे हम लोग अपनी फोटो को सेव कर लेते हैं थ्री डॉट में क्लिक करके। तो ये सब काम हो गया हमारा। ऐसा करने के बाद आप लोग को लाइटर मैप में ओपन कर लेना अपनी फोटो। तो देखो मैं चले गया हूँ अपनी लाइटर मैप में। इसके बाद आप लोग को यहाँ पे लाइटिंग एडजस्टमेंट में यहाँ पे क्लिक कर लेना है, और यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट को कम कर लेना है, और हाईलाइट्स भी कम कर लीजिएगा। शैडोज़ को यहाँ पे एक काम करते हैं, हाईलाइट्स बढ़ाते हैं, ठीक है, और शैडोज़ को थोड़ा सा कम कर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग वाइट्स को बढ़ाएंगे, ब्लैक्स को बढ़ाते हैं नहीं है, हाँ थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 6 बढ़ा लिया था मैंने। और यहाँ पे देखो देखो भाई आप लोग वाइब्रेंस बढ़ा लीजिएगा फोटो का। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे जाना है ऑरेंज, यहाँ पे येलो का सैचुरेशन थोड़ा सा मैंने कम करा हूँ, ठीक है। और फिर बाद में इसके बाद आप लोग ब्लू का सैचुरेशन थोड़ी ह्यू जो है ना उसे कम कर लेना है। और इसके बाद क्या करना है आप लोग को बताता हूँ मैं। यहाँ पे आप लोगों को कर लेना है थोड़ा सा स्टेप से अच्छे से देखो वीडियो को, बिल्कुल मैं जैसे जैसे कर रहा हूँ वैसे कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो थोड़ा थोड़ा आप लोगों को बताते जाता हूँ मैं। तो यहाँ पे कुछ स्टेप से टेम्परेचर मैंने कम करा था, ठीक है। तो भाई अपनी फोटो के अकॉर्डिंग आप लोग को ये साइज़ रखना है ना। मैं मतलब आप लोग को एग्जांपल दे रहा हूँ कि ऐसा आप लोग कर सकते हो, ठीक है। मैं और भी यूट्यूबर जैसे नहीं भाई कि मतलब ऐसे ही रखना भाई आप लोग को, ये 6 है तो भाई 6 ही रखना है भाई, सबकी फ़ोटो में अलग रहता है, ठीक है। तो भी आप लोग देख के कर लीजिएगा। फिर भी आप लोग ये जो जो मतलब मैं यहाँ पे टूल्स यूज़ कर रहा हूँ वो सब करके देख लीजिएगा। सिलेक्टिव टूल अगर आप लोग को मैं नहीं आ रहा भाई, ठीक है, तो आप लोग को लिंक मिलेगी एक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, तो उसे देख लीजिएगा। और उसके डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिलेगा, उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लाइटरूम का फुल वर्जन मिल जाएगा, ठीक है। तो डाउनलोड कर लीजिएगा, 6.0 वर्जन अभी चल रहा है। तो देखो कुछ स्टेप्स मैंने हाईलाइट्स यहाँ पे बढ़ा लेता हूँ, ठीक है, और कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा बढ़ा लिया था, और यहाँ पे सिलेक्ट करा था कुछ स्टेप्स। आप लोगों ने देखा होगा यार मतलब कर लो यार इतना, मतलब थोड़ी बताना पड़ता है आप लोगों को, आप लोग सब एडिटिंग बनती है, ठीक है। तो ऐसा करने ऐसा कर लेना भाई, बिफोर आफ्टर देख सकते हो, बहुत बढ़िया फोटो लग रही है। शेयर कर लेना भाई यहाँ पे अपनी फोटो को यहाँ पे स्नैपचैट ऐप में। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, तो हो जा भाई जल्दी से शेयर। कितना टाइम लगा रहा है ये, रुकिए थोड़ी देर रुक जाते हैं, हो जा भैया, ठीक है। तो यार लाइक जरूर कर दीजिए यार, थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसको शेयर करने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहा है, ठीक है। चलो अब शेयर में आ गया, तो ये हो चुका है भाई। यहाँ पे हम लोग स्नैपचैट ऐप में क्लिक कर लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं अपने स्नैपचैट ऐप में। तो ये हो चुका है, इसके बाद आप लोग को यहाँ पे मतलब ये कौन सा आइकॉन है, पेन का आइकॉन है, ठीक है। इसमें क्लिक करके आप लोग ब्रश में क्लिक कर लेना है, सॉरी फिर से यहीं क्लिक हो गया, ब्रश में क्लिक कर लेना है। और ऐसा करने के बाद यहाँ पे भाई मतलब अप्लाई कर लेना है कुछ स्टेप से, जैसे कि यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। बैटरी भी लो हो चुकी है भाई, तो जाने दीजिए कोई बात नहीं। इसके बाद आप लोगों को कुछ स्टेप से ऐसे डॉज इफेक्ट लगा लेना है, ठीक है। बर्न भी यूज़ कर सकते हो भाई, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि यार ये क्या है डॉज बर्न, ठीक है, तो आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इस वीडियो के एक डॉज बर्न की वीडियो, जो कि मैंने बनाया था बहुत अच्छे से, तो उसे जरूर देख लीजिएगा, आप लोगों को जरूर कुछ नया सीखने को मिलेगा उस वीडियो से। तो ऐसा आप लोग अप्लाई कर लीजिएगा, और ये हो चुका है भाई डॉज बर्न। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग कर लिए, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा मैं बर्न भी अप्लाई कर लेता हूँ भाई, ठीक है। तो यहाँ पे साइड में अप्लाई करा तो ठीक लग रही है, तो यहाँ डन कर लिया। ऐसा करने के बाद यहाँ पे जाना है आप लोग को अपने इस आइकॉन में, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ब्लू सा इफेक्ट यहाँ पे कर लिया हूँ, ठीक है। ऐसा करने के बाद क्या करना है आप लोग को, और भी अपनी फ़ोटो के अकॉर्डिंग देखते जाइएगा, और अपनी फ़ोटो को भाई एडिट करते जाइएगा। तो फ्रेंड्स यहीं तक था हमारा वीडियो, आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया। तो भाई वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ यार लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके साइड के बेल को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा भाई। ऐसी वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहूँगा मैं रेगुलर, ठीक है। और भाई ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।